मुझे एक जानकारी तो छूट गई आपको बताने के लिए, वो चरक संहिता की नहीं है, सुश्रुत की भी नहीं है, भागवत की भी नहीं है, वो जीवन व्यवहार में से समझ में आई हुई बात है। वो ये है कि आप घर में जो खाना बनाते हैं उसके लिए तेल इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिब्बाबंद तेल इस्तेमाल मत करें, क्योंकि हमने जब डिब्बाबंद तेलों को प्रयोगशाला में परीक्षण करवाया तो पता चला कि वो इतने खराब हैं, उसमें इतने केमिकल हैं जिनकी आपको कल्पना ही नहीं होती। और ये डिब्बाबंद तेल ज्यादा बड़ा कारण है हृदय घात के। आपके सामने कैलाश सोनी जी हैं, इनको कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है ना, बीएलडीएल और एलडीएल, ये बहुत बढ़ गया था। इन्होंने एक ही परिवर्तन किया अपनी जिंदगी में, डिब्बाबंद तेल खाना इन्होंने बंद कर दिया, शुद्ध तेल खाना शुरू किया, और उसके बाद इन्होंने लिपिड प्रोफाइल चेक कराया तो इनका जो खराब कोलेस्ट्रॉल था वो कम हो गया और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल था वो बढ़ गया। ये जो इनके लिए परिणाम आया वो भारत में सैकड़ों लोग भी यही बात करते हैं। कोई कहते हैं कि जब से डिब्बाबंद तेल खाना उन्होंने छोड़ा उनका तकलीफ पहले से कम हो गई। तो आप शुद्ध तेल खाइए, डिब्बे में बंद तेल मत लाइए, शुद्ध तेल खाइए। तो आप बोलेंगे जी धमतरी में शुद्ध तेल कहाँ मिलेगा, तो तेल की घाणी एक लगा लीजिए। इन लोगों ने तय किया एक तेल घाणी शुरू करने जा रहे, तो आपको ये सोच लीजिए और डॉक्टर साहब के सहयोग से शुद्ध तेल अभी मिल जाएगा। धमतरी में अब शुद्ध तेल की कोई कमी नहीं आने वाली है। आप हमेशा ये याद रखिए तेल कोई भी खाइए, डिब्बाबंद बिल्कुल नहीं, शुद्ध ही तेल खाइए। और ज्यादा अच्छा तेल जो खाने को है मूंगफली का है, तिल का है, और हमारे घरों में कई बार इस्तेमाल होता सरसों का, ये तीन को छोड़कर चौथा कोई तेल मत खाइए। सोयाबीन का तेल को गलती से भी मत खाइए, सूरजमुखी का तेल कभी भी मत खाइए, क्योंकि सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल मनुष्य के खाने के लिए नहीं है। दोनों ही तेल का जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर वो पचने की क्रिया शुरू होती है वो मनुष्य शरीर से ऊंचा है। हमारे शरीर का नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोयाबीन तेल और ये जो सूरजमुखी का तेल है इसको डाइजेस्ट होने के लिए 40 डिग्री 42 डिग्री लगता है, उतना टेम्परेचर शरीर में कभी भी नहीं होता बीमार होने को छोड़कर। तो इसलिए सोयाबीन अच्छा तेल नहीं आपके लिए। सोयाबीन अच्छा तेल है सुअर के लिए, सुअर होते हैं ना, इनको भरपूर सोयाबीन तेल खिलाना चाहिए। और सूरजमुखी का तेल भैंस को जरूर खिलाना चाहिए, उसके काम का है, मनुष्य के काम के लिए दोनों तेल नहीं। सोयाबीन का दूध निकालते पनीर अच्छा, हाँ ये जो सोयाबीन का प्रोटीन है ना ये मनुष्य शरीर में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन जो सबसे आसानी से हमें डाइजेस्ट होता है वो दाल का है। आपने कभी देखा भगवान की पूजा में सोयाबीन रखते, क्यों नहीं रखते अगर इतना अच्छा है सोयाबीन? भगवान की पूजा में उड़द की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, अरहर की दाल रखते हैं, चने की दाल रखते हैं, सोयाबीन दाल कभी भी नहीं रखते क्योंकि वो अच्छी नहीं है, शास्त्र के हिसाब से भी नहीं है, विज्ञान के हिसाब से भी। सोयाबीन दाल खाने वाले लोग कुछ ही हैं दुनिया में, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो खा सकते हैं, यूरोप में रहने वाले खा सकते हैं, हमारे लिए वो उपयोगी नहीं। पनीर सोयाबीन का मत खाइए, दूध का ही पनीर खाइए, नहीं सोयाबीन का पनीर मत खाइए, सोयाबीन का कुछ मत खाइए जी। घर में दूध का पनीर खा सकते हैं, जरूर खाइए, जरूर खाइए। खाना खाने की कितनी देर पहले पानी पी सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पहले आता तो अच्छा। खाना खाने के 20 मिनट पहले आप भरपेट पानी पी सकते हैं, 20 मिनट पहले कितना भी चाहे उतना पानी पी सकते हैं। गेहूं के साथ चने को मिला के खाइए, सोयाबीन की बिल्कुल जरूरत है, चना और गेहूं बेस्ट कॉम्बिनेशन, किसी में भी मत खाइए। उस सोयाबीन को पचाने के लिए जो शरीर में लगता है ना एंजाइम, वो है नहीं हमारे शरीर, वो सिर्फ सुअर के शरीर में, मनुष्य में है ही नहीं, तो खाने से कोई फायदा नहीं, बचेगा है नहीं, बेकार वेस्ट जानवर। चना खाइए, घोड़ा घोड़ा चना खाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत घोड़े में मानी जाती है, और हर ताकत को घोड़े से नापा जाता है, हॉर्स पावर। आप चना खाइए ना, भरपूर